परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम के खिलाफ हुई कार्यवाही का समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद ने शिवराज सरकार को धन्यवाद दिया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंप्यूटर का नाम ही अजीबोगरीब है। गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा ने आधुनिक महल बना के रखा था। आश्रम में बहुत सी अमर्यादित वस्तुएं मिली हैं जो संतों के पास नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर बाबा अपने फायदे के लिए राजनीति दामन बदलता रहता था। उसकी कार्यशैली से नाराज होकर दिगंबर अखाड़ा ने उसे बाहर कर दिया था, हालांकि बाद में उन्हें शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश इंदौर में गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा, जिनका नाम ही अजीब है, अवैध कब्जा करके एक आलीशान आश्रम तो नहीं कहेंगे, अपने लिए सुविधाजनक भवन बनाया या कार्य निंदनीय है। कोई भी संत महात्मा इस कार्य का समर्थन नहीं करेगा कि जहां गौवे चरना चाहिए वहां आप आश्रम बनाइए। मध्य प्रदेश सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटा करके एक उचित काम किया है। क्योंकि आश्रम के नाम पे आप अवैध असलाह रख रहे हैं, तमाम ऐसी वस्तुएं पाई गई जो संतों के मर्यादा के विपरीत है, संत का आचरण सबके लिए प्रेरणादायक बनता है, पर कंप्यूटर बाबा द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वह संतों के मर्यादा के विपरीत किए गए हैं। कभी अपने फायदे के लिए उधर, कभी अपने फायदे के लिए इधर, ये संतों का कार्य नहीं है। अगर कंप्यूटर बाबा कि इन्हीं कृत्यों को देखते हुए एक बार, चूंकि ये दिगंबर अखाड़े से जुड़े हुए हैं, दिगंबर अखाड़ा ने इनको बाहर किया था और जिसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया था, बाद में इन्होंने अपनी गलती मानी थी तो दिगंबर अखाड़ा ने इनको पुनः शामिल किया था, लेकिन ये अपने कृत्यों से बाज नहीं आते हैं। आपने गौशाला की जमीन जिसपे सरकारी हक बनता है, जहाँ गाय चरती हैं, गौचर भूमि है, आप संत हैं, यदि अच्छा होता कि आप वहाँ गौचरों के लिए, गायों के लिए कुछ करते, वो तो आपने किया नहीं। एक आलीशान भवन बना लिया और उस भवन में ऐसे ऐसे सामान मिले जो संत के आचरण के विपरीत है। सब मिला के मैं यही कहूँगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कृत्य आपने किया है उसका फल आपको मिला है। मुझे भी तकलीफ होती है, ये किसी संत का आश्रम गिराया जाए तकलीफ होती है, लेकिन अगर वह संत सही माने में संत की मर्यादा में रहकर कार्य करे तो। आपने कभी इसका ध्यान नहीं दिया और आपके बयान हमेशा इस तरह के आते रहे जो संत के मर्यादा के विपरीत था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किया है वह उचित कार्य किया है और हम तो यही कहेंगे कि गौचर भूमि को जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको हटाया जाए।